नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विश्व रहस्य YouTube चैनल में। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं दुनिया के अनसुलझे रहस्य, बहुत सी कहानियाँ और किस्से जो आपको रोमांचित कर देती हैं और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये रहस्य है या फिर हकीकत। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए विश्व रहस्य यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको विश्व रहस्य के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। ब्रिटेन की महारानी के पास हैं ये अद्भुत शक्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ब्रिटेन की महारानी के पास कौन सी अद्भुत शक्तियाँ हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ब्रिटिश क्वीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हो सकता है आप उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो, या हो सकता है कुछ बातें जानते भी हो, लेकिन फिर भी क्वीन एलिजाबेथ के पास जो पावर्स हैं वो जानने योग्य जरूर हैं। तो आइए जानते हैं ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ टू के बारे में ये रोमांचक बातें। दोस्तों, एलिजाबेथ द्वितीय के पास ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं जो उनको बाकी लोगों से खास बनाती हैं, और वो इस प्रकार हैं। ब्रिटिश क्वीन कहीं भी जाएं तो अगर वो गाड़ी से जाना चाहती हैं तो वहाँ के ट्रांसपोर्ट के नियम उन पर लागू नहीं होते। यही वजह है कि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत उन्हें ये छूट प्राप्त है। उन्हें अगर कहीं जाना है तो उनके लिए पासपोर्ट की अनिवार्यता भी नहीं है, और वो बिना पासपोर्ट के कहीं भी भ्रमण कर सकती हैं, किसी भी देश में जा सकती हैं। उनके महल के अंदर एक प्राइवेट कैश मशीन है जो केवल महल के लोगों के लिए है, और ये सुविधा वहीं के एक नामी बैंक के द्वारा मिली है। टेम्स नदी के अंदर जितनी भी हंस हैं वो उनकी संपत्ति में आते हैं, और साथ ही ब्रिटिश समुद्र में जितनी भी डॉल्फिन्स हैं वो भी उनके अधिकार में आती हैं। ब्रिटेन की संसद के द्वारा पास किया गया कोई भी बिल है वो ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ के हस्ताक्षर के बिना कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उनके पास ये पावर है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकती हैं, और अगर कोई संवैधानिक टकराव होता है तो वो उसे हटा भी सकती हैं। अगर ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ चाहें तो अपनी पावर्स के दायरे में रहकर भी टैक्स भुगतान के लिए मना कर सकती हैं, लेकिन फिर भी 1992 से टैक्स देती आ रही हैं। जैसे हमारे यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन काम करता है, उसी तरह वहाँ किसी भी व्यवस्था से जुड़ी जानकारी सरकार से मांगी जा सकती है, लेकिन ब्रिटिश क्वीन और उनकी फैमिली को इस कानून से छूट मिली हुई है, और उनसे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी को साझा किए जाने को वो मना कर सकती हैं। अगर कोई संवैधानिक टकराव की स्थिति होती है तो ऐसे में किसी भी मिनिस्टेरियल एडवाइस को वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए रोक सकती हैं, और अगर हालात सामान्य होते हुए तो वो पीएम को निर्देश दे सकती हैं या उन्हें चेतावनी भी दे सकती हैं। वो ब्रिटिश चर्च की हेड हैं और ऐसे में बिशप और पादरियों की नियुक्ति कर सकती हैं और उन्हें हटा भी सकती हैं। उन्हें किसी भी मुकदमे के लिए ये कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश करने और यहाँ तक कि किसी भी तरह के मुकदमे को चलाने से भी छूट मिली हुई है। वो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति की तरह किसी भी अपराधी को मिली हुई मौत की सजा या कारावास जो मृत्यु तक हो उसे माफ कर सकती हैं। दोस्तों, वो ब्रिटिश फौज की कमांडर इन चीफ कहलाती हैं, और जब भी फौज में कोई ज्वाइन करता है तो ब्रिटिश क्वीन के नाम की और उनके प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेता है। किसी भी नागरिक को पासपोर्ट जारी करने का अधिकार ब्रिटिश क्वीन को होता है, और ये काम उनके बिहाफ पर विदेश मंत्रालय करता है, और यही वजह है कि सभी पासपोर्ट उनके नाम से जारी होते हैं। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ब्रिटेन के संविधान में रानी का स्थान संविधान से भी ऊपर है, इसीलिए उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और किसी भी तरह की कार्रवाई और कानून जो नागरिकों पर लागू होते हैं वो उनके लिए बाध्य नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि उनके अधिकार केवल अब एक तरह से शो ऑफ ही हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा पास किए जाने वाले बिल्स पर उन्हें हर हाल में हस्ताक्षर करना ही पड़ता है, क्योंकि वो बिना किसी संवैधानिक संकट की स्थिति में उसे मना नहीं कर सकती। साथ ही कुछ खास तरह के अधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरह के विभागीय काम में दखल नहीं दे सकती।
सकती और उनके अधिकार केवल सलाह और चेतावनी तक ही सीमित हैं। लेकिन फिर भी जो भी हो, जितने अधिकार उनके पास हैं, वो उन्हें खास बना देते हैं और जनता के मन में उनका सम्मान भी उन्हें खास बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इस तरह की व्यवस्था से ब्रिटेन में उस जमाने का अस्तित्व भी देखने को मिलता है, जो राजा रानी की प्रथा आज से हजारों सालों तक चली आ रही थी, वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी पावर ऑफ ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ II। अगर आपके पास इससे अधिक कोई जानकारी है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, देखते रहिए विश्व रहस्य यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।